हम पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने प्रत्याशी अशोक कुमार आजाद के लिए वोट मांगने नालंदा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी खुद को देश हित में काम करने वाला कहते हैं, मगर अब उनकी पोल खुल गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने का श्रेय लूटने में लगे हैं, मगर मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी की घोषणा मोदी जी के 3 शर्त को मनाने के बाद हुई है, जो देश हित में काफी खतरनाक साबित होंगी। कि ये जो अजहर मसूद साहब हैं, इनका हाथ पुलवामा घटना में थी, एकदम स्पष्ट है कि उनका हाथ वहां रहा। ये भी सत्य किया गया कि पुलवामा घटना से अजहर मसूद का नाम अगर नहीं जोड़िएगा तब हम आपको वहां वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दूसरा सत्य, ये भी सत्य, हिंदुस्तान का कोई भी स्वाभिमानी नहीं मान सकता है, कह सकता है कि वो टेररिस्ट है। हमारे 44 लोग शहीद हो गया पुलवामा में, और हम उनको नहीं कहेंगे कि हमारा साथ उसने घटना घटाया, लेकिन इसको इन्होंने